This news bulletin is brought to you by NK Law Solicitors, dealing with immigration, asylum, nationality, work permits, domestic violence and much more. This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक की रोकथाम के लिए मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। स्मोक के तदारों के लिए मौसर इकदाम ना करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम निजी दफातर में 2 दिन के लिए वर्क फ्राम होम करने का भी हुक्म देते हुए मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने इतवार के रोज़ मार्केटें मुकम्मल बंद करने का हुक्म भी दिया और धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की हिदायत भी दी। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी बंद करने की हिदायत करते हुए कहा है कि डॉल्फिन पुलिस भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करे। GHQ हमला केस इमरान खान में दीगर मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म फिर टल गई। वकला ने फर्द जुर्म चालान पर एतराज़ कर दिए, जबकि GHQ चालान में 94 गवाह हैं और किसी गवाह ने बानी चेयरमैन PTI समेत किसी लीडर का नाम नहीं लिया। वकील बाबर अवान ने कहा है कि जिनके बयान पर बानी चेयरमैन PTI और कायदीन को मुलवस किया वो मुनहरफ हो चुके हैं। वकला सफाई ने कहा है कि मुकदमा चालान का पुलिस ने जो नक्शा पेश किया इसमें किसी मुलजम के पास असलहा नहीं, वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर भी पेश नहीं हुए और इनकी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त जमा करवाई गई। फर्द जुर्म के लिए 25 मुलजमान में चालान नकुल भी तकसीम ना हो सकी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने कचहरी अदालत में समाअत की, जबकि पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। फर्द जुर्म से बचने के लिए साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बरी करने की दरख्वास्त दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट 26वीं आइनी तरमीम के बाद केसेस के समाअत ताखीर का शिकार। नई आइनी दरख्वास्तों की समाअत के लिए वकला ने अदालत से इजाज़त मांगी थी, ताहम सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंचेस ने नई आइनी दरख्वास्तों की समाअत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। वकला की जानिब से दायर की गई नई दरख्वास्तों में सिविल और क्रिमिनल केसेस शामिल है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने कहा कि आज आइनी बेंचेस बन रहे हैं, फिर फैसला होगा कि कौन सा केस कहाँ जाएगा। रोस्टर ब्रांच तय करेगी कि कौन सा केस किस बेंच में जाएगा। ख्याल रहे कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूरी और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 26वीं आइनी तरमीम आइन पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है, जिसके तहत आइनी मुकदमात के लिए अलहदा आइनी अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और जुडिशल लॉस में इजाफा हो गया। कायम मुकाम सदर पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी से जारी सदारती तरमीमी हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 रुपये से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक जो डिजिटल अलाउंस 4,28,040 रुपये से बढ़ाकर 11,61,163 रुपये कर दिया है। हाई कोर्ट जजेस का हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया है। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है, जबकि पार्लियामान के जानिब से हाल ही में पास किए गए कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मजमूई तादाद 34 कर दी गई है। ताहम अभी तक दीगर 17 नशस्तों पर जजेस की तकर्री बाकी है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। चैंपियंस ट्रॉफी ICC ने भारत को डेडलाइन दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में ICC हुकाम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के दरमियान बातचीत जारी है, जिसकी नुमाइंदगी CEO सलमान नसीर और चेयरमैन मोहसिन नकवी कर रहे हैं। PCB ने भारत से टूर्नामेंट में शिरकत के हवाले से वाजिया जवाब हाँ या नहीं मांग लिया है। भारत के अलावा दीगर 6 टीमों ने इवेंट में टीमों को पाकिस्तान भेजने की तस्दीक कर दी, ताहम भारत सियासी और सिक्योरिटी के बहाने बनाकर टीम भेजने से इनकारी है और टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाना चाहता है। ICC आमतौर पर इवेंट में 3 से 4 माह कबल टूर्नामेंट का शेड्यूल जाहिर करता है, लेकिन भारत टीम की आमद से मुतालिक जवाब के इंतजार में मुनफरिद तकरीब के जरिए बाकायदा शेड्यूल का ऐलान किया जा सकता है, जो रवामा पाकिस्तान में 10 से 12 नवम्बर के दरमियान होने का इम्कान है। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर न्यूज अपडेट। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर
और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।